वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति जी, रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए रेलवे विभाग का बड़ा होना, इसका नियमित होना और इसका सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महोदय, इस देश में लोगों की यह धारणा है कि रेलवे विभाग तो बड़ा विभाग जरूर है, किंतु इससे ज़्यादा लापरवाही करने वाला विभाग सरकार का कोई और नहीं है। महोदय, रेलवे का जो विनियोग विधेयक रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को सरकारी खजाने से और 200 करोड़ रुपया दिया जाए। महोदय, यह खर्चा जिसके लिए यह बिल लाया गया है वर्तमान रेल मंत्री जी के समय का नहीं है और न ही मौजूदा सरकार के समय का है, बल्कि यह 4 वर्ष पूर्व का है और मैं समझता हूँ कि उस समय से अब तक इस देश में 3 सरकारें बदल चुकी हैं और यह 4थी सरकार है। 4 प्रधानमंत्री हो गए और 4 रेल मंत्री हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने यह 200 करोड़ रुपया बजट से अधिक गलत तरीकों से खर्च किया है, इसलिए इसकी वर्तमान संसद को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेल विभाग द्वारा किए गए इस खर्चे के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री जी को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है, इसकी संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए। लेकिन क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस मामले की जांच उच्च स्तर पर करवाते और यदि इसमें विभाग के किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाए तो उनको सजा दी जाती? रेलवे विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने सरकार को इस बारे में नहीं बताया, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास न करके मंत्री जी को कहें कि वह इसको वापस ले लें। अगर आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं कि हमने विधेयक पेश कर दिया, इसको पास होना ही चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस विधेयक में से 1 रुपये की स्वीकृति संसद से लें और बाकी राशि की वसूली आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों से करें जो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार का साहस आप दिखलाएंगे तो आपके ऊपर जो लापरवाही का आरोप बराबर लगाया जाता है उसको दूर करने में आप सफल हो सकेंगे। महोदय, वह विनियोग विधेयक है, इसलिए
इस पर लंबी चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसका लक्ष्य सीमित है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी रेलें लेट चलती हैं। उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता आयोग की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है, वे सिफारिशें आंतरिक सिफारिशें हैं क्योंकि रिपोर्ट ही अंतरिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे की वित्तीय समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की आवश्यकता है और उनका समाधान निकालने की ज़रूरत है। जो सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई हैं वे वही हैं जो इतने सालों से चली आ रही हैं। इतने सालों से जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए, यही सिफारिश है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सरकार जो प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि स्वयं यह समझौता आयोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करता है कि समस्याओं को गहराई में जाकर देखने, जांचने और नया हल निकालने की आवश्यकता है। महोदय, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार हो रहा है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। श्रीमान, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं, अभी भी मजदूरों की हड़तालें चल रही हैं। रेल मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल कर देते हैं और रेल सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि जब तक रेल के प्रबंध में मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आप रेल सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेल की प्रबंध व्यवस्था में रेल मजदूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक अशांति की समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। मेरे ये जो कुछ सुझाव हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश की अवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेलवे की जो कठिनाई है, उसका जो संकट है और जो संकट दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, वह संकट दूर होगा और रेलवे आधुनिक तथा कुशल सेवा के रूप में हमें उपलब्ध
हो सकेगा। स्टॉप।